भूतिया डायन क्लास टीचर। जूली, तुम मुझे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रही हो? मैम, वो आपकी आंखें बहुत ही ज्यादा लाल और डरावनी लग रही है। क्या सच में बच्चों, मेरी आंखें लाल लग रही है? यस मैम। अच्छा, हो सकता है मेरी आंख में कोई इन्फेक्शन हो गया होगा। इसमें इतनी घबराने वाली क्या बात है? तुम लोग तो मुझे ऐसे देख रही हो जैसे मैं कोई भूत हूँ। वैसे बच्चों, आज मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो कौन कौन कहानी सुनने के लिए एक्साइटेड है? मैम, आज आप हमें कोई हॉरर स्टोरी सुनाइए। हम मैजिकल और मोरल स्टोरी सुन सुनकर बोर हो गए हैं। पक्का किसी बच्चे को डर तो नहीं लगेगा? नहीं मैम, आप सुनाइए। ठीक है बच्चों, ये कहानी एक डायन टीचर की है। काफी समय पहले की बात है, गांव से काफी दूर जंगल में डुबडुबा नाम की एक डायन रहती थी। उसकी दो बेटी थी, चमकी और डोरी। डायन अपनी दोनों बेटी से बहुत प्यार करती थी। चमकी और डोरी, जब तक मैं आना जाऊं तब तक तुम दोनों घर से बाहर कहीं मत जाना। ठीक है माँ। एक बार एक परिवार किसी जंगल में पिकनिक मनाने आता है और उसके बच्चे वहीं जंगल में फुटबॉल खेल रहे होते हैं। तभी गलती से उनका बॉल उस डायन के घर के अंदर चला जाता है। अंदर कोई है? अरे, मेरा बॉल आपके घर के अंदर आ गया है, प्लीज आप हमें हमारा बॉल वापस दे दीजिए। तभी चमकी और डोरी बॉल लेकर बाहर आती है। बॉल देखकर इन दोनों बहनों का भी मन बॉल से खेलने का करता है। क्या हम दोनों भी तुम्हारे साथ ये खेल खेल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ। उसके बाद सभी फुटबॉल का आनंद लेते हैं। चमकी और डोरी, क्या तुम दोनों इस जंगल में रहती हो? तुम्हें यहाँ अकेले डर नहीं लगता? यहाँ कैसा डर, माँ तो कहती है डर तो जंगल की बाहर की दुनिया में है। बाहर की दुनिया हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। तुम्हारी माँ को शायद पता नहीं, बाहर की दुनिया बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ हम सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, फिर शाम को पार्क में खेलते हैं और रात में पढ़ाई करके सो जाते हैं। पता नहीं तुम पूरे दिन जंगल में क्या करती रहती हो। रचना और क्रिस, बेटा किससे बात कर रहे हो? बेटा घर चलो, अब हमें देर हो रही है, हमें यहाँ से निकलना है। अब हमारे जाने का समय हो गया है, बाय। तुम मुझसे मिलने मेरे गांव आओगी ना? वादा करो। ठीक है, वादा। ओके, बाय दोस्त। उसके बाद वो परिवार वहाँ से चला जाता है। डायन जब वापस घर आती है तो उनके दोनों बच्चे गांव में रहने की जिद करने लगते हैं। अपने बच्चों की जिद के आगे डायन को झुकना पड़ता है और वो अपने बच्चों को लेकर गांव में आ जाती है। तभी डोरी और चमकी को उसी गांव में रचना दिखाई देती है। रचना! अरे वाह डोरी और चमकी, तुम दोनों तो एकदम ही बदल गई। अब बताओ कैसा लगा हमारा गांव? ये गांव तो बहुत ही सुंदर है। अब सिर्फ गांव आने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें अब हमारे साथ स्कूल जाना पड़ेगा। चमकी और डोरी घर आकर अपनी माँ से स्कूल जाने का जिद करते हैं। ये क्या मुसीबत है, भला हम डायनों को कब से स्कूल जाने की जरूरत पड़ने लगी? माँ प्लीज, जब आप हमारे कहने पर गांव में आकर रह सकती हैं, तो स्कूल में भी एडमिशन करवा दीजिए ना। ठीक है, पर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। तुम कभी किसी को नहीं बताओगी कि तुम डायन की बेटी हो, और ना ही तुम में से कोई भी अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा। तुम दोनों आम इंसानों की तरह ही इस गांव में रहोगी, ठीक है? इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती है। मैं तो बोर हो चुकी थी इस डायन वाली जिंदगी से। अब मैं खुले हवा में इंसानों की तरह सांस लूंगी। आप बहुत प्यारी हो माँ। उसके बाद से दोनों डायन बहनें भी स्कूल जाने लगती है। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। तभी एक बार स्कूल में गर्मी की छुट्टी पड़ती है और आज छुट्टी का आखिरी दिन होता है और सभी बच्चे लास्ट पीरियड में खेल रहे होते हैं। मैंने तो चमकी और डोरी को एक ही बार में ढूंढ लिया। अब देखना, इस बार हम दोनों बहनें ऐसी जगह छुपेंगे जहाँ कोई भी हमें ढूंढ नहीं पाएगा। ठीक है, मैं 100 तक गिनती हूँ,
तब तक तुम दोनों बहनें छुप जाओ। उसके बाद दोनों बहनें स्कूल में छुप जाती है। तभी स्कूल की छुट्टी की घंटी बजती है और सभी बच्चे घर चले जाते हैं, लेकिन चमकी और डोरी स्कूल में ही छुपी रह जाती है। अरे इस बार कोई भी हमें ढूंढ नहीं पाएगा। अब देखती हूँ रचना कितनी देर तक मुझे ढूंढते रहती है। इधर सभी बच्चे घर चले जाते हैं। लास्ट में गार्ड भी पूरा क्लास चेक करके स्कूल बंद करके घर चला जाता है। दीदी, रचना दीदी तो हमें ढूंढ ही नहीं रही है, उनकी तो आवाज भी नहीं आ रही। अब तो काफी देर हो गया। हाँ डोरी, चलो चलकर देखते हैं। तभी वो दोनों जब बाहर आती है तो देखती है कि स्कूल में कोई भी नहीं है और बाहर से स्कूल का दरवाजा भी बंद हो गया है। दीदी, लगता है छुट्टी हो गई है और सभी लोग स्कूल से घर चले गए। तो चिंता मत कर डोरी, हम दोनों छत से कूदकर बाहर चले जाएंगे। उसके बाद दोनों बहनें स्कूल के छत पर चली जाती है। वहीं स्कूल के छत से एक हाई वोल्टेज तार लगी होती है। दोनों बहन उस तार को पकड़कर नीचे उतरना चाहती है। तभी जैसे ही दोनों बहन उस तार को छूती है, उसे जोरदार करंट का झटका लगता है और दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। इधर जब डायन को इस बारे में पता चलता है तो वो आग बबूला हो जाती है और गुस्से के मारे उसका असली चेहरा सामने आ जाता है और वो गांव में बाहर निकलकर आतंक मचाने लगती है। मैं इस पूरे गांव को जलाकर राख कर दूंगी। मैं इस स्कूल में किसी को नहीं पढ़ने दूंगी। मैं सबको मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं। इस तरह डुबडुबा डायन गांव में आतंक मचाने लगती है। तभी सभी गांव वाले मिलकर उस डायन को एक पेड़ से बांधकर उसे भी जिंदा जला देते हैं। अगर ये डायन जिंदा रही तो वो हम सबको मार डालेगी, इसलिए इसे मार देने में ही हम सबकी भलाई है। और इस तरह वो डायन उस पेड़ में बंधे तड़प तड़प कर मर जाती है। मैम, ये तो उस डायन के साथ बहुत ही बुरा हुआ। हाँ, बहुत बुरा किया गांव वालों ने मेरे साथ। मैम, आपके साथ? आपके साथ कैसे मैम? मेरे कहने का मतलब है उस डायन के साथ। अच्छा बच्चों, तुम सब अब पढ़ाई करो, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद मैम बाथरूम में चली जाती है और वो एक डायन में बदल जाती है। मैं वापस आ चुकी हूँ अपना बदला लेने। आज पूरे 20 साल बाद मेरा बदला पूरा होगा। प्रिंसिपल मैम, प्रिंसिपल मैम, जल्दी चलिए, आरती मैम को करंट लग गया है। प्रिंसिपल मैम जब उनके केबिन में जाती है तो देखती है कि आरती मैम के ऊपर पंखा गिर गया है और उसी से उन्हें करंट लग गया है। प्रिंसिपल मैम जल्दी से इलेक्ट्रिशियन को फोन करती है, लेकिन तब तक आरती मैम की मौत हो जाती है। इस घटना से सभी बहुत ही दुखी होते हैं। प्रिंसिपल मैम पूरे स्कूल की अच्छे से वायरिंग करवाती है। एक भी तार कहीं से खुली नहीं होनी चाहिए। स्कूल में इस तरह की लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रिंसिपल मैम इतना बोलकर अपने ऑफिस में आ ही रही होती है, तभी उनके केबिन में आग लग जाता है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? मेरे केबिन में आग कैसे लग गया? अरे कोई है, कोई जल्दी से इस आग को बुझाओ। उसके बाद सभी लोग मिलकर आग बुझा देते हैं। आखिर ये मेरे स्कूल को हो क्या गया है? पहले इलेक्ट्रिक शॉट और अब आग। प्रिंसिपल मैम बहुत ही डरी सहमी सी अपने ऑफिस में बैठी थी। तभी वहाँ तेज हवा का झोंका आता है और ऑफिस का सारा सामान हिलने लगता है। कौन है यहाँ? कौन है? मैं पूछती हूँ कौन है? मैं हूँ डुबडुबा डायन। डुबडुबा डायन? तुम अभी तक जिंदा हो? तुम तो मर गई थी ना? तुम लोगों ने तो मुझे मारने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं अब वापस आ चुकी हूँ अपनी बेटी के मौत का बदला लेने। तुम्हारी वजह से ही मेरी बेटी की जान गई। देखो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने चमकी और डोरी को ढूंढने की काफी कोशिश की थी, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। मैंने गार्ड अंकल को भी पूछा था तो उन्होंने कहा कि सारे बच्चे घर चले गए हैं,
देखो चमकी और डोरी के जाने का मुझे भी बहुत दुख है, लेकिन उसके साथ हादसा हुआ था, उसे किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया था। नहीं, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। मैं अपनी बेटी की मौत का बदला लेकर आऊंगी और शुरुआत तुमसे होगी, तुम्हें मरना होगा। जैसे ही डायन रचना को मारने आगे बढ़ती है, वैसे ही वहाँ पर चमकी और डोरी की आत्मा आ जाती है। रुक जाइए माँ, माँ इसे छोड़ दीजिए, ये सच कह रही है, मेरी मौत सिर्फ एक हादसा था, उसमें किसी का दोष नहीं था। माँ इन गांव वालों ने और इस स्कूल के लोगों ने तो मुझे बहुत प्यार दिया था, मुझे सच के राह पर चलना सिखाया, और रचना की वजह से तो मैं दोस्त जैसे शब्द का मतलब समझी। माँ इसे माफ कर दो और हमारे साथ चलो, अब हमारी दुनिया ये नहीं है। माँ चलो हमारे साथ, हमें आपकी जरूरत है। बेटी अगर तेरी यही इच्छा है तो मैं यही करूँगी। उसके बाद उन तीनों माँ बेटी की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से मुक्त हो जाती है, और रचना जो कि अब उस स्कूल की प्रिंसिपल बन चुकी थी, अपने स्कूल को फिर से पहले की तरह ही चलाने लगती है। आँख निकालने वाली स्टूडेंट जेट की दोपहरिया में स्कूल से छुट्टी के बाद आरती, सोनम और कंचन तीनों अमियां तोड़ने जंगल में चली जाती है। कंचन और सोनम, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? अरे यार ये तो पायल की आवाज़ है, शायद कोई और भी है जो पायल पहनकर अमियां तोड़ रहा है। उसके बाद तीनों दोस्त अमियां तोड़ने लगती है और वो तीनों थक जाती है, उन्हें जोरों की प्यास लगती है, वे तीनों पानी पीने के लिए नदी के पास जाती है। तभी उन तीनों को फिर से पायल के छनछन की आवाज आती है, वे तीनों पानी पीकर जैसे ही पीछे मुड़ती है, उन्हें वहाँ पर अजीब सी दिखने वाली एक लड़की दिखती है। अरे तू पागल वागल है क्या, ऐसे कोई डराता है? अभी हम तीनों को हार्ट अटैक आ जाता तो? एक तो इतनी गंदी हुलिया बना रखी है, ऊपर से पायल पहनकर छनछन कर रही है, तुम्हें फैशन का बिल्कुल भी सेंस नहीं है। और नहीं तो क्या, और हाँ तुमने अपने चेहरे पर कौन सा मेकअप लगा रखा है? ये मेकअप नहीं है, ये तो बस पर तुम्हें जोकर बनना ही था तो मुझसे अपना मेकअप कराती, मैंने तो ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी कर रखा है। क्या तुम लोग मुझे देखकर डरी नहीं? तुम लोगों को मुझसे डर नहीं लगा? अरे पागल, हम तीनों तो डराने वाले लोग हैं, हम किसी से नहीं डरते, और तुम जैसे बेवकूफों से तो बिल्कुल भी नहीं। तुम तीनों की आंखें बहुत प्यारी है, मुझे भी तुम्हारी जैसी ही सुंदर आंखें चाहिए। हमारी आंखें सुंदर ही नहीं बल्कि बहुत अच्छी भी है, क्योंकि हम सब रोज योगा करते हैं, और मैम कहती है योगा करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और आंखें सुंदर रहती है। हमारे स्कूल में तो सभी बच्चों की आंखें बहुत ही सुंदर है, तुम्हारी तरह गंदी नहीं। उसके बाद सभी बच्चे उस लड़की को धक्का देते हुए वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता है कि वो जिस लड़की से इतनी देर से बातें कर रही है वो एक चुड़ैल है। अगले दिन सुबह सुबह तैयार होकर तीनों सहेली स्कूल जा रही थी, तभी वो लड़की भी पीछे से स्कूल ड्रेस में बैग लेकर आ जाती है। अरे तुम हमारे साथ कहाँ जा रही हो? तुमने ही तो कहा था तुम्हारे स्कूल में सभी बच्चों की आंखें सुंदर सुंदर है, तो मैं भी अब से तुम्हारे स्कूल में जाऊंगी, ताकि मेरी भी आंखें तुम्हारी तरह ही सुंदर हो सके। उसके बाद सभी लड़कियां स्कूल पहुंच जाती है। अरे वो लड़की कहां गई जो हमारे पीछे पीछे आ रही थी? हाँ यार अभी अभी तो हमारे पीछे आ रही थी, खैर छोड़ो चलो। जैसे ही वो तीनों क्लास में जाती है तो देखती है कि वो उससे पहले ही क्लास में आकर बैठी हुई है। अरे अभी तो तुम पीछे थी, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? उड़ कर वो देखो मैम आ गई। उसके बाद मैम सभी बच्चों का टेस्ट लेती है, फिर कॉपी चेक करने के बाद गुस्से में कहती है, सोनम आरती और कंचन ये क्या है, सवाल के जवाब की जगह ये कार्टून बनाई हो, तुम्हें पता है ना मुझे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं, चलो तीनों क्लास से निकलो और बाहर हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाओ, समझी? उसके बाद तीनों दोस्त बाहर खड़ी हो जाती है। आरती मैंने तो सारे सवाल का जवाब सही सही लिखा था, फिर मैम ने हमें पनिशमेंट क्यों दी? हमने तो अपने नोटबुक में कोई ड्राइंग भी नहीं बनाई थी,
फिर मैम क्यों कह रही थी कि हमने ड्राइंग बनाई है? पता नहीं, ये हमारे साथ क्या हो रहा है। अब हमें पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान देना होगा, अगले महीने एग्जाम आने वाले हैं। ओफो, मेरा तो हाथ दुख गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो क्लास के अंदर थी ना? वहाँ तुम तीनों के बिना मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ आ गई। कंचन, सोनम, तुम्हें ये लड़की कुछ अजीब नहीं लग रही? ये तो अभी अभी क्लास में थी। अरे, ये तो फिर से गायब हो गई। तभी अचानक से किसी लड़की के बाथरूम में चीखने की आवाज आती है। सभी लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं, तो वहाँ सुनीता मैम बेहोश पड़ी होती है और उनकी दोनों आँखें गायब होती है। उन्हें फौरन हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि सुनीता मैम के साथ क्या हुआ। सोनम, आखिर सुनीता मैम के साथ क्या हुआ होगा? उनके साथ ये किसने किया होगा? पता नहीं यार, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगले दिन फिर से तीनों दोस्त स्कूल जा रही होती है, तभी वही लड़की उसे मिलती है। तुम इधर कहाँ रहती हो? मैं तो बस पहाड़ी के पास काली गुफा में रहती हूँ। गुफा में? नहीं यार, मैं काली गुफा के पास रहती हूँ। अब जल्दी चलो, वरना आज फिर टीचर से डांट पड़ेगी। उसके बाद वे सभी स्कूल पहुँचती है। उस दिन क्लास में पूनम मैडम पढ़ा रही थी, तभी वह उस नई लड़की को देखकर कहती है, स्टैंड अप, मैं पढ़ा रही हूँ और तुम होगी चपर चपर क्या खा रही हो? क्या है तुम्हारे बैग में? कुछ नहीं मैम, मैं कुछ नहीं खा रही हूँ। फिर बताओ, अभी मैंने क्या पढ़ाया? उसके बाद वो लड़की कुछ भी जवाब नहीं देती है, तभी टीचर उसे एक थप्पड़ लगाते हुए कहती है, जब मैं क्लास में रहूँ ना, तो सबका ध्यान सिर्फ पढ़ाई में होना चाहिए, समझी? अब चलो बैठकर पढ़ाई करो। ये देखकर कंचन, सोनम, आरती उसका बहुत मजाक उड़ाती है। क्लास खत्म होने के बाद तीनों सहेलियाँ लाइब्रेरी में किताब लेने जाती है, तभी कंचन कहती है, यार तुम दोनों बुक लेकर आ जाओ, तब तक मैं पानी पीकर आती हूँ। कंचन पानी पीने चली जाती है। इधर जब दोनों दोस्त लाइब्रेरी में जाती है, तभी उसे वहाँ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। कौन है, कौन है वहाँ? तभी वहाँ किताबें भी अपने आप हवा में उड़ने लगती है। ये सब क्या हो रहा है? भूत, सोनम, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। लगता है यहाँ कोई भूत है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। सोनम, वे दोनों निकल ही रही होती है, तभी वो देखती है कि वो लड़की लाइब्रेरी में बैठकर किताब पढ़ रही है। अरे, तुम दोनों इतना घबराई हुई कहाँ जा रही हो? तुम्हें लाइब्रेरी से बुक नहीं लेना है क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो घर चली गई थी ना? घर से तो मैं आई हूँ। तुम दोनों मुझे बहुत अच्छी लगती हो, और तुम दोनों की ये डरी डरी सहमी हुई आंखें उससे भी ज्यादा अच्छी लगती है। कौन हो तुम? तुम यहाँ किस लिए आई हो? तुम्हें अब से क्या चाहिए? मुझे तो बस तुम दोनों की प्यारी प्यारी आंखें चाहिए, आंखें। नहीं, मैं तुम्हें अपनी आंखें नहीं दूंगी। नहीं दूंगी। तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। कंचन, बचाओ, प्रिंसिपल मैम, बचाओ, मुझे जाने दो, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। तभी वो लड़की आरती और सोनम को हवा में उछाल देती है। हमें नीचे उतारो, हमें बहुत डर लग रहा है, हमें छोड़ दो, प्लीज हमें जाने दो, हमें नीचे उतारो। वे दोनों रो रही थी और वो लड़की वहीं बैठकर हंस रही थी, तभी वहाँ कंचन आ जाती है। कंचन के आते ही वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है और उसकी दोनों सहेली वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। सोनम, आरती, तुम्हें क्या हुआ? तुम दोनों बेहोश कैसे हो गई? सोनम, आरती, आंखें खोलो, प्रिंसिपल मैम। उसके बाद उन दोनों को भी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, होश आने के बाद। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। नहीं, सोनम का भी वही हाल था। सोनम भी होश में आने के बाद यही सब बोल रही थी, तभी उसे पता चलता है कि उसके क्लास की सभी लड़कियां अचानक से गायब हो गई है। तभी सोनम और आरती स्कूल आकर प्रिंसिपल मैडम को सारी बातें बताती है। ओह माय गॉड, हो ना हो, वो लड़की जरूर आंख निकालने वाली चुड़ैल है, और सुनीता मैडम के साथ जो हादसा हुआ
उसकी जिम्मेदार भी वही है, लेकिन वो अब हमें कहाँ मिलेगी? मैडम, मैंने सुना था, वो बता रही थी, वो काली पहाड़ी के काली गुफा में रहती है, वो शायद हमें वही मिलेगी। प्रिंसिपल मैडम एक तांत्रिक को जानती थी और उसके साथ वे सभी काली गुफा पर पहुंचते हैं। गुफा के आगे कई सारे सांप पहरा दे रहे थे। तांत्रिक अपने जादुई मंत्र से सभी सांपों को भगा देता है और वे लोग अंदर चले जाते हैं। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमें जाने दो। मैं आज तुम सबकी आंखें निकाल कर तुम्हारी बलि चढ़ाऊंगी, जिसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में अमर हो जाऊंगी। उसके बाद मैं सभी इंसानों की आंखें निकाल कर उसकी भुजिया बनाकर खाऊंगी, जिससे मेरी शक्तियाँ और भी ज्यादा हो जाएगी। दुष्ट चुड़ैल, दुष्ट चुड़ैल, हम तुम्हारे इस मकसद को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। तू फिर आ गई, तुझे तो इस बार मैं छोड़ूंगी नहीं। चुड़ैल जैसे ही सोनम पर वार करने वाली होती है, तभी वहाँ तांत्रिक आ जाता है और वो उसके ऊपर मंत्र पढ़कर वार कर देता है। ये तूने क्या किया? मैं जिसके डर से हजारों वर्षों से इस गुफा में छुप कर रह रही थी, आज उसी के हाथों मेरा अंत हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुझ जैसे चुड़ैल के लिए दुनिया नहीं बनी है, ये दुनिया इंसान और इंसानियत के लिए बनी है, ये ले। उसके बाद वो चुड़ैल वहीं जलकर भस्म हो जाती है और फिर प्रिंसिपल मैडम सभी बच्चों को छुड़ाकर वापस ले आती है और उस दिन के बाद से फिर से सभी बच्चे स्कूल जाने लगते हैं।